हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों को सीरीज सिस्टम के बारे में, आपको सीरीज टेस्ट के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। उसको आप ध्यान से देखिएगा। कंपिटेटिव एग्जामिनेशन में पैटर्न पे ही आता है क्वेश्चंस मैक्सिमम, ठीक है। तो कैसे कैसे हमको पकड़ना है, रीच करना है, काउंट करना है, कि कैसे हम उसको, इसकी फीलिंग दिखाई, इसको कैसे मैच करेंगे, ठीक है, और कैसे ऑब्जर्व करेंगे और हम तुरंत क्रैक करेंगे, क्लियर है। तो आइए हम लोग बात करते हैं। पहला है आपका नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में मान लीजिए 5, 9, 18, 34, 59 एंड नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे देखिए डिस्टेंस निकाला मैंने, तो इसका इसको माइनस किए सेकेंड में से फर्स्ट को, तो 4 आया। इस तरह से माइनस किए तो 4, 9, 16, 25, 36 आया, क्लियर है। आपको क्या करना है, अब 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का, ये 6 का। तो नेक्स्ट आपका क्या आया है, फिलिंग दी ब्लैंक की जगह 6 का स्क्वायर आया, क्लियर है। तो आपको ये असेंडिंग ऑर्डर में ये जस्ट कर लिया हमने, बस ऐड कर लेना है 95 करेक्ट आंसर, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह ये डिसेंडिंग ऑर्डर में चला गया, ये आपको दिया गया है, कॉमन डिफरेंस दोनों का निकाले, फर्स्ट में सेकेंड में भरा है, इसी तरह अगेन अगेन हमने रिपीट किया है। आपने रिपीट करने के बाद क्या हुआ कि माइनस करते गए और देख रहे हैं कि 7 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 5 का, 4 का, 3 का, और अगेन कितना आएगा लास्ट 2 का स्क्वायर। ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहा था, तो 4 माइनस कर लेंगे, 62 में से 4 गया, 58 करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह हम लोग चलेंगे आपका परफेक्ट क्यूब में, ओके। परफेक्ट क्यूब में, परफेक्ट क्यूब के लिए भी क्वेश्चन हम लोग तैयार करते हैं। जैसे सपोज दिया हुआ परफेक्ट क्यूब के लिए 10 है, 11 है, 19 है, 46 है, 110 है और क्वेश्चन मार्क है, क्लियर है। तो हम लोग इसमें चलते हैं तो देखते हैं क्या है, इसमें से माइनस करते हैं तो 1 आता है, 8 आता है, ये आपका 27 आ रहा होगा, ये आपका 64 आएगा, क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कितना आएगा, 125 आएगा। कैसे कैसे जस्ट किए, 1 क्यू 2 का क्यू 3 का क्यू, जैसे ही आपको 1 से तो रीच कर नहीं पाएंगे, क्योंकि 1 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब सबसे सेम आता है, लेकिन 8 को, 27 को, 64 को हम लोग जो है क्यूब स्क्वायर ये याद किए रहते हैं, तो तुरंत दिमाग में जज आ जाता है ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, तो बस समझ में आ गया और सीरीज हम लोग तैयार कर लेंगे। और ये आपका 4 का क्यूब, देन अगेन ये 5 का क्यूब होगा, 5 का क्यूब होता है 125। नेक्स्ट इसको ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा, 235, ये आपका फिलिंग दी ब्लैंक्स का आंसर आएगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरह हम लोग जो है इसी का हम देख लेंगे, परफेक्ट क्यूब का, जैसे 180 है, ठीक है, 179 है, 171 है और 144 है, और बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। यहाँ माइनस करेंगे 1 आएगा, यहाँ आपका 8 आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपका 25 आ रहा है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 64। 5 का क्यूब हो गया 25 आपका 32, 3 का क्यूब आपका हो गया 27, 4 का क्यूब हो गया 64, ओके। तो 144 में से 64 आपका लेस हो जाएगा, तो कितना आएगा, 4 में से 4 गया 0 और यहाँ पे आपका 4 और 4 8, ये आपका आंसर करेक्ट क्लियर हो गया। परफेक्ट क्यूब भी हम लोग समझ में आ गया और आपका नंबर सीरीज भी हम लोग क्लियर कर लिए। इस तरह से सीरीज टेस्ट का अब अगला क्वेश्चन हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में फिर देखेंगे शॉर्टकट में। आपका यही आपका रूल्स है, इस चीज़ को आप देखिए, रीजन वाच कीजिए, फटाफट में प्रैक्टिस कीजिएगा, सैंपल में बनाइए, क्वेश्चन सेट देखिए, तो आपको बहुत सारा क्वेश्चन समझ में आने लगेगा, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स को भी इसी तरह हिंट कीजिए। गुड लक, गुड लक।